नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे और आज हम चर्चा करेंगे पॉइंटर्स एंड एड्रेसेस के बारे में। जब हम लोकेट करैक्टर फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं तो आप निम्नलिखित करैक्टर एस्ट्रिक एस्ट नोटिस कर सकते हैं जो थोड़ा अनफेमिलियर सा दिखता है। आपको शायद याद हो पिछले लेक्चर में जब हमने चर्चा की थी कि जब हमें एरे को किसी फंक्शन को पास करना होता है तो एरे को कॉपी करने के बजाय हम केवल फंक्शन का रेफरेंस पास करते हैं। सी उन चुनिंदा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है जो आपको कंप्यूटर मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स को सीधे मैनिपुलेट करने की सुविधा देती है। इस डायरेक्ट मैनिपुलेशन को करने के लिए हमें मेमोरी में ऑब्जेक्ट का लोकेशन जानना होगा जिसे हम उसका एड्रेस कहते हैं। एड्रेस को एक विशेष प्रकार के वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। ये वेरिएबल्स जो मेमोरी में अन्य ऑब्जेक्ट्स जैसे वेरिएबल्स, एरेस और स्ट्रिंग्स की ओर पॉइंट करते हैं उन्हें पॉइंटर वेरिएबल्स कहा जाता है। एक पॉइंटर किसी ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है और इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। यह डिक्लेरेशन हमारे पहले के डिक्लेरेशन के समान दिखता है पर इसमें एक अंतर है। नाम के साथ एक एस्ट्रिक साइन लगा हुआ है। हमने इस पॉइंटर को इंट टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है। इस टाइप स्पेसिफिकेशन का पॉइंटर के साथ कोई लेना देना नहीं है बल्कि यह डिफाइन करता है कि यह पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है जो कि इस केस में एक इंटीजर वैल्यू है। अकेला पॉइंटर अपने आप में मीनिंगलेस है। हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट की भी आवश्यकता है जिसे यह पॉइंटर रिफर कर रहा हो। यह कोड फ्रेगमेंट एक इंट टाइप के वेरिएबल और एक पॉइंटर को डिफाइन करता है। हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जिसे हम एंड से दर्शाते हैं का उपयोग करते हैं और पॉइंटर को अपने वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन या एड्रेस असाइन कर सकते हैं। पॉइंटर आईपी अब इंटीजर वेरिएबल नंबर को रिफर करता है। हम कंटेंट ऑफ ऑपरेटर एस्ट्रिक का इस्तेमाल करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यह कोड एग्जीक्यूट करने पर 5 प्रिंट करता है जो कि हमारी पॉइंटर रेफरेंस के मेमोरी लोकेशन के कंटेंट है। पॉइंटर्स की सहायता से हम मेमोरी लोकेशंस को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह। हमारे वेरिएबल नेम की वैल्यू अब 7 है। इसे देखकर हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारा लोकेट करैक्टर फंक्शन स्ट्रिंग वेरिएबल्स की वैल्यू को करैक्टर पॉइंटर का इस्तेमाल करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। सी प्रोग्राम्स में पॉइंटर्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और हमने केवल इस विषय को सतह से छुआ है। वे काफी उपयोगी और एफिशिएंट हो सकते हैं हालांकि एप्रोप्रिएटली उपयोग नहीं किए जाने पर ये एरर का एक पोटेंशियल सोर्स भी हो सकते हैं। इस कारण से कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डायरेक्ट मेमोरी मैनिपुलेशन का समर्थन नहीं करती हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की। पिछली चर्चा में हमने सीखा कि कैसे आप एक स्ट्रिंग के करैक्टर को ढूंढने के लिए सर्च फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स पर एक यूजफुल ऑपरेशन है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेट करने का अर्थ है दो ऑपरेंड्स को एंड टू एंड जोड़ना। उदाहरण के लिए शू और मेकर को कॉन्केटिनेट करने पर बना शू मेकर। सौभाग्य से हमें सी में सभी आवश्यक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं है। string.h लाइब्रेरी हमें पहले से डिफाइंड कई फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिन्हें हम स्ट्रिंग पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम लाइब्रेरी फंक्शन strncat का उपयोग करते हैं जो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका आउटपुट होगा बनाना नट ब्रेड।
जब हम लाइब्रेरी फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो सभी नेसेसरी आर्गुमेंट्स को पूरी तरह से समझना और फंक्शन की वर्किंग को पूरी तरह समझ लेना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं कि strncat फंक्शन कैसे कार्य करता है। जब आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करके दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करते हैं तो यह फंक्शन दो स्ट्रिंग को लेकर उन्हें एक दूसरे से जोड़ता नहीं, बल्कि यह सेकेंड आर्ग्यूमेंट के कंटेंट्स को पहले आर्ग्यूमेंट में कॉपी कर देता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी पहली स्ट्रिंग की लेंथ कम से कम इतनी लंबी हो कि वह दूसरी स्ट्रिंग को होल्ड कर सके। कोड की पहली लाइन पर गौर करें। इस प्रोग्राम में ऐसा हम स्ट्रिंग की मैक्सिमम कैपेसिटी को 20 करेक्टर्स का डिफाइन करके करते हैं, 19 करेक्टर्स और एक टर्मिनेशन करेक्टर के लिए। कोड की तीसरी लाइन में स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन फंक्शन में जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है, यह उन करेक्टर्स की संख्या को दर्शाता है जिन्हें दूसरे से पहले स्ट्रिंग में कॉपी किया जाएगा। अब तक हमने देखा कि कैसे डिक्लेरेशन के समय एक स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। सामान्य रूप से एरे के साथ स्ट्रिंग को डायरेक्टली वैल्यू असाइन करना लीगल नहीं है, क्योंकि संपूर्ण एरे के लिए एक वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। इसलिए स्क्रीन पर यह दिखाया हुआ कोड गलत है। एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन करने के लिए हमें strncpy कॉपी फंक्शन का उपयोग करना होगा। उदाहरण के लिए इस कोड को देखें। यह कोड सेकेंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग के 13 करेक्टर्स को फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। यह कोड काम करता है लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन सेकेंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग से फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग में एग्जैक्ट 13 करेक्टर्स को कॉपी करता है। ऐसे में हमारे स्ट्रिंग टर्मिनेशन करेक्टर का क्या हुआ? यह ऑटोमेटिकली कॉपी नहीं किया जाता है। स्ट्रिंग के अंत में इनविजिबल 14 करेक्टर को कॉपी करने के लिए हम अपना कॉपी स्टेटमेंट बदलना होगा। अब यह नया स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। हालांकि यदि हम दूसरे स्ट्रिंग के कुछ हिस्से को पहली बार कॉपी करते हैं तो हमें कोड में ग्रीटिंग्स 15 स्ट्रिंग में n+1 करेक्टर को स्पष्ट रूप से सेट करने की आवश्यकता है। इस कोड में दिखाया गया है। जैसा कि इस कोड में हम सिर्फ 5 करेक्टर कॉपी करना चाहते हैं जो कि स्ट्रिंग की इंडेक्स वैल्यू 0 से 4 तक में स्टोर होगी, इसलिए छठी पोजीशन में टर्मिनेशन करेक्टर को इंक्लूड करने के लिए हम कोड दूसरी लाइन में पांचवी इंडेक्स पोजीशन को टर्मिनेशन करेक्टर असाइन करते हैं। अभी तक हमने स्ट्रिंग कॉपी और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन फंक्शन का उपयोग किया जिसके लिए आपको उन करेक्टर्स की संख्या को स्पष्ट रूप से स्पेसिफाई करने की आवश्यकता होती है जो पहले आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग में कॉपी होंगे। string.h लाइब्रेरी में ऐसे भी स्ट्रिंग कॉपी और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन फंक्शन डिफाइंड है जिनमें कॉपी किए गए करेक्टर्स की संख्या पर कोई स्पष्ट बाउंड नहीं है। इन फंक्शन का उपयोग स्ट्रॉन्गली डिस्करेज किया जाता है। उनके उपयोग से सी प्रोग्राम्स के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा समस्याएं पैदा हुई हैं। याद रखें, सी एरे बाउंड्रीज की जांच नहीं करती है और वेरिएबल्स की डिफाइंड लेंथ के बाद भी कंप्यूटर मेमोरी में करेक्टर्स को कॉपी करना जारी रखेगा। सभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि इंटीजर और डबल्स पर काम करती हैं, स्ट्रिंग्स पर भी काम करेंगे। उदाहरण के लिए यदि आप यह निर्धारित करने के लिए यह कोड लिखते हैं कि क्या दो स्ट्रिंग बराबर हैं, यह टेस्ट हमेशा फेल ही होगा। एक दूसरे के साथ दो स्ट्रिंग्स की तुलना करने के लिए आपको स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन का उपयोग करना होगा। फंक्शन जीरो रिटर्न करता है यदि दो स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल होते हैं। एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है यदि पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कम है, या एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है यदि दूसरा स्ट्रिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ज्यादा है। कृपया ध्यान दें, यह रिटर्न वैल्यू
स्टैंडर्ड ट्रू फॉल्स रिजल्ट नहीं है, जहां रिजल्ट वैल्यू जीरो को फॉल्स के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए उपयोगी है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन अपर और लोअर केस लेटर्स को उसी तरह से नहीं हैंडल करता जैसा हम लोग करते हैं। सभी अपर केस लेटर लोअर केस लेटर से पहले आते हैं। नतीजन इस कोड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट के रूप में आप अगर जेब्रा, जिसमें जेट कैपिटल है, को पास करोगे तो आउटपुट योर वर्ड कॉमा जेब्रा कॉमा कम बिफोर बनाना होगा। इस समस्या को एड्रेस करने का एक सामान्य तरीका है कि आप कंपैरिजन करके पहले सभी स्ट्रिंग्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे कि लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया जाए और फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस की जाए। अब हम बात करते हैं करैक्टर क्लासिफिकेशन की। किसी करैक्टर की जांच करना और यह टेस्ट करना अक्सर उपयोगी होता है कि वह करैक्टर अपर केस का है, लोअर केस का है, या वो कोई करैक्टर है या कि कोई डिजिट। सी के पास इस तरह के करैक्टर क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस की लाइब्रेरी है। इस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको प्रोग्राम में सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आर्गुमेंट कोई लेटर नहीं होता तो इस अल्फाबेट फंक्शन की रिटर्न वैल्यू एक इंटीजर होती है जिसकी वैल्यू जीरो होती है, और रिटर्न वैल्यू कोई नॉन जीरो वैल्यू होती है अगर आर्गुमेंट कोई लेटर होता है। जैसा कि उस उदाहरण में दिखाया गया है, कंडीशनल में इस तरह से इंटीजर का उपयोग करना लीगल है। वैल्यू जीरो को फॉल्स माना जाता है और सभी नॉन जीरो वैल्यूज को ट्रू माना जाता है। अन्य रेक्टर क्लासिफिकेशन फंक्शन में इस डिजिट शामिल है जो अंकों को 0 से 9 तक पहचानता है, और इस स्पेस जो सभी प्रकार के वाइट स्पेस को आइडेंटिफाई करता है जिनमें स्पेस, टैब, न्यू लाइंस और कुछ अन्य शामिल हैं। इसके अलावा इज अपर और इज लोअर फंक्शन भी हैं जो अपर और लोअर केस लेटर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। अंत में दो फंक्शंस और हैं जो लेटर्स को एक केस से दूसरे केस में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें टू अपर और टू लोअर कहा जाता है। दोनों फंक्शन एक सिंगल करैक्टर को आर्गुमेंट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और उस आर्गुमेंट के रूप में प्रोवाइड किए गए करैक्टर को दूसरे केस में कन्वर्ट करके लौटाते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए कोड का आउटपुट कैपिटल ए होगा। अब तक हमने जो प्रोग्राम्स लिखे हैं वे काफी प्रिडिक्टेबल हैं, वे हर बार रन किए जाने पर वही कार्य करते हैं। हालांकि अधिकांश समय हम ऐसे प्रोग्राम्स चाहते हैं जो यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करें और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दें। इनपुट प्राप्त करने के कई तरीके हैं, जिनमें कीबोर्ड इनपुट, माउस मूवमेंट्स और बटन क्लिक्स, साथ ही साथ वॉइस कंट्रोल और रेटिना स्कैनिंग जैसे मैकेनिज्म शामिल हैं। इस लेक्चर में हम केवल कीबोर्ड इनपुट्स पर विचार करेंगे। हेडर फाइल stdio.h में scanf नाम का एक फंक्शन डिफाइंड है जो इनपुट को उसी तरह से हैंडल करता है जिस तरह से printf आउटपुट को हैंडल करता है। यूजर से इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ता है। scanf फंक्शन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना रोककर यूजर को कुछ टाइप करने के लिए प्रतीक्षा करने का कारण बनता है। यदि यूजर एक वैलिड इंटीजर टाइप करता है तो प्रोग्राम इसे इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है और इसे एक्स में स्टोर करता है। यदि यूजर इंटीजर के अलावा कुछ और टाइप करता है तो सी कोई एरर रिपोर्ट नहीं करता, बल्कि scanf फंक्शन रिटर्न हो जाता है और एक्स की वैल्यू को अनचेंज रखता है। फॉर्चुनेटली इनपुट स्टेटमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं यह जानने और देखने का एक तरीका है। scanf फंक्शन उन आइटम्स के नंबर को रिटर्न करता है जिन्हें सफलतापूर्वक पढ़ा गया है। लास्ट इनपुट स्टेटमेंट सफल होने पर यह संख्या 1 हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है
तो हम जानते हैं कि पिछले ऑपरेशन विफल रहे और यह भी कि अगला ऑपरेशन विफल हो जाएगा। यूजर से इनपुट प्राप्त करने का कोड कुछ इस तरह से दिख सकता है। स्कैनफ फंक्शन के साथ जुड़ा एक और संभावित नुकसान है, आपका प्रोग्राम कोड इंसिस्ट कर सकता है कि यूजर एक वैलिड इंटीजर टाइप करे क्योंकि बाद में इस वैल्यू की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में आप वैलिड यूजर इनपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट स्टेटमेंट को दोहराना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यह कोड एक एंडलेस लूप में जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीबोर्ड से इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा आपके प्रोग्राम में इनपुट बफर के थ्रू डिलीवर किया जाता है। एक सक्सेसफुल रीड ऑपरेशन के बाद यह बफर ऑटोमेटिकली खाली हो जाता है। हालांकि अगर हमारे उदाहरण की तरह स्कैनफ फंक्शन फेल हो जाता है तो बफर खाली नहीं होता है और अगला स्कैनफ ऑपरेशन पुरानी वैल्यू को रीरीड करता है। हमें इनपुट बफर को खाली करने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम यूजर से अगला इनपुट पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि ऐसा करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, इसलिए हम अपने स्वयं के कोड लिखेंगे जो कि गेट करेक्टर फंक्शन का उपयोग करके बफर को पढ़ता है और खाली करता है। यह एक वाइल लूप का उपयोग करके तब तक रन करता रहता है जब तक कि बफर में कोई और करेक्टर नहीं बचा रहता। इस लूप के कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दें, जहां सभी ऑपरेशंस टेस्ट कंडीशन में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। स्कैनफ फंक्शन का उपयोग स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए भी किया जा सकता है। फिर से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल इतना बड़ा हो जिसमें सारे यूजर इनपुट को एकोमोडेट किया जा सकता है। जब हम एक इंटीजर या एक स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो स्कैनफ फंक्शन के आर्गुमेंट में अंतर को नोटिस करें। फंक्शन को वेरिएबल के लिए पॉइंटर की आवश्यकता होती है जो पॉइंट कर सके कि इनपुट वैल्यू को कहां स्टोर किया जाएगा। यदि हम एक इंटीजर को रीड कर रहे हैं तो हमें वेरिएबल नेम के साथ एड्रेस ऑपरेटर का उपयोग करने की आवश्यकता है। स्ट्रिंग के केस में हम केवल वेरिएबल नेम प्रोवाइड करते हैं। यह भी ध्यान दें कि कैन एफ फंक्शन केवल इनपुट का पहला वर्ड लेता है और शेष को अगले इनपुट स्टेटमेंट के लिए छोड़ देता है। इसलिए यदि आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं और अपना पूरा नाम लिखते हैं जो कि संभवतः दो या ज्यादा शब्दों का बना होगा तो यह प्रोग्राम केवल आपके फर्स्ट नेम को आउटपुट करेगा। इस लेक्चर में हमने स्ट्रिंग और उस पे किए जा सकने वाले विभिन्न ऑपरेशंस की चर्चा की। अगले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। धन्यवाद।